नमस्कार आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज़ 24 और मैं हूं नीरज कुमार। बिहार में चुनाव है, बिहार में बहार है या बिहार बदहाल है, दो तरह के लोग आरोप लगा रहे हैं और एक लोग अपने आप को गुणगान कर रहे हैं कि बिहार में बहार है। इसी संबंध में हम आए हुए हैं बिहार प्रदेश राष्ट्रवादी कांग्रेस कार्यालय में और प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर सिंह जी से बात करेंगे कि बिहार में बहार है या बिहार बदहाल है। चंद्रशेखर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आप ये बताएँ कि बिहार में बहार है या बिहार बदहाल है। मेरा नाम चंद्रशेखर सिंह है, मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उपभोक्ता विभाग का अध्यक्ष हूँ, प्रदेश अध्यक्ष हूँ और अभी चुनाव चल रहा है, चुनावी प्रक्रिया शुरू हो गया है। ऐसी स्थिति में हमारी पार्टी भी ये निर्णय ली है कि हम 145 सीट पर लड़ेंगे चुनाव और हमारे कार्यकर्ता, हमारे जो कैंडिडेट हैं वो दमखम के साथ लड़ने के लिए मैदान में उतर गए हैं। चारों तरफ हमारी पार्टी का डंका बज रहा है, हम 41 सीट पर लड़ेंगे और बिहार की स्थिति बदहाली की बात जहां तक आपने किया है, बिहार में बदहाली ही बदहाली है। 15 साल का शासन नीतीश जी का जो हुआ वो तो उससे ज़्यादा बुरा और कोई हो ही नहीं सकता है। ऐसी स्थिति में बिहार की जनता 15 साल नीतीश कुमार का शासन देखा, 15 साल राजद का शासन देखा और अब बिहार की जनता विकल्प की खोज में है और उस विकल्प के रूप में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आ रही है, बिहार में आ गई है और इसके नेता हैं माननीय शरद पवार। शरद पवार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। 145 सीट पर हम डिसाइड किए हैं लड़ने के लिए और जीतेंगे, सारी सीट पर हम जीतेंगे, हमारी सरकार बनेगी और उसके बाद हम लोग अगले चुनाव में, पार्लियामेंट के अगले चुनाव में हम लोग प्रधानमंत्री के लिए शरद पवार को प्रोजेक्ट करेंगे और यही देश को का प्रधानमंत्री बनेंगे। नरेंद्र मोदी भी देश को बदहाल कर दिए हैं, यहाँ नीतीश कुमार जी जितना न से नाम शुरू है, नरेंद्र मोदी हो या नीतीश कुमार हो, बिहार की बदहाली का हालत का कारण नीतीश कुमार हैं और हिंदुस्तान देश को बदहाली का कारण नरेंद्र मोदी है। इसलिए क्या एजेंडा है आपका बिहार चुनाव में, क्या क्या मुद्दे आप उठाने वाले हैं जनता के बीच? जनता के बीच में मुद्दा ही मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, लूट का मुद्दा है, अशिक्षा का मुद्दा है। 15 साल में किया क्या है इन्होंने, एक सुई की फैक्ट्री भी बैठाया, बेरोजगारी होगी नहीं। कोविड जब हुआ, जब कोरोना आया तो लाखों लोग हमारे बाहर से, यहाँ कोई रोजगार का मौका नहीं दिया, कोई फैक्ट्री नहीं बैठा, जितने चीनी मिल थे किसी का शुरू हुआ। तो बिहार तो बदहाल है और बदहाल जब तक इन लोग का शासन रहेगा तब तक बदहाल रहेगा। जब तक हमारी शासन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का शासन नहीं आएगा देश में और बिहार में, तब तक बदहाली रहेगी। बिल्कुल, जिस प्रकार से इन्होंने भी स्पष्ट तौर पे कहा है कि बिहार में बहार नहीं है, बिहार बदहाल है और कई तरह के समस्याएं हैं, ना तो यहाँ पे कोई फैक्ट्री ऑन हुआ है, ना ही यहाँ की कोई सड़कों की व्यवस्था सब सुचारू रूप से चल रही है और शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था भी चरमराई हुई है। कोरोना के कारण लोग परेशान हैं और जो बाहर से मजदूर आए हैं वो भी परेशान हैं। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।